हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे थे छठा क्लास का SCERT का किताब था, अतीत से वर्तमान तक, है ना, पार्ट वन का था। तो चलिए, हम लोगों ने लगभग 6 अध्याय समाप्त किए थे और ये हमारा सातवां अध्याय है, प्रारंभिक राज्य हो जाता है। यहाँ पे देखेंगे बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, है ना। 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय, है ना। देखिए, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। और ये निकाय की बात करें तो यह सूत पीटक का निकाय है, है ना। सूत पीटक का एक निकाय होता है और सूत पीटक में 5 निकाय होते हैं, जिसमें एक निकाय अंगुत्तर निकाय भी है। और यही सूत पीटक का जो रचना है आनंद के द्वारा किया गया, है ना। सूत पीटक का रचना आनंद के द्वारा किया गया और ये आनंद है, शिष्य होते हैं किसके, गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य हैं, है ना। चलिए, और एक और भी है, उपाली नाम रहता है, पूछा जाता है ये प्रश्न बार बार। उपाली ने विनय पीटक की रचना किया, है ना, विनय पीटक की रचना किया, याद रखिएगा, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। कहता है कि महाजनपद के राजा नियमित रूप से क्या करते थे, कर वसूलते थे। जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अगर हम लोग कर की बात करें, है ना, तो कर में देखिए कहा जाता है कि फसलों पर लगाया जाने वाला कर महत्वपूर्ण है। उपज का कौन सा भाग था, तो 16वां भाग दिया जाता था। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि मगध की जो राजधानी है, राजधानी गिरिबज थी और दूसरी राजधानी क्या है, पाटलिपुत्र हो जाता है। मगध की पहली राजधानी राजगीर बोलिए या गिरिब्रज बोलिए, बात एक ही है। लेकिन बाद में उदयन के द्वारा क्या किया जाता है, अपनी राजधानी राजगीर से ट्रांसफ़र करके पाटलिपुत्र में बना दिया जाता है, है ना, पाटलिपुत्र में स्थापित कर दिया जाता है। किसके द्वारा, उदयन के द्वारा। और देखिए, कहता है कि मगध की दोनों राजधानियां राजगीर पहाड़ियों से घिरा हुआ है और पाटलिपुत्र जो है नदियों से घिरी हुई थी, है ना। आगे देखते हैं हम लोग, मगध का जो वास्तविक संस्थापक है बिंबिसार को कहा जाता है। देखिए, बिंबिसार और बिंदुसार में अंतर हो जाता है, है ना। बिंबिसार ये हर एक वंश के सम्राट होते हैं और बिंदुसार क्या है, मौर्य वंश के सम्राट होते हैं, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र हैं उनका नाम है बिंदुसार, है ना, और बिंदुसार के पुत्र का नाम है अशोक सम्राट, ओके। और यहाँ पे देखिए, हर एक वंश के जो सम्राट हैं, हर एक वंश की स्थापना है, है ना, वो यहाँ पे बिंबिसार करते हैं, है ना। और इसने स्थिति को मजबूती देने के लिए कौशल एवं लक्ष्मी राजवंश के राजकुमारियों से विवाह करते हैं। अपने साम्राज्य को और सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए उन्होंने वैवाहिक संबंध रखा किसके साथ, कौशल और लक्ष्मी के साथ। बिंबिसार के बारे में कहा जाता है कि ये महात्मा बुद्ध के मित्र थे, है ना, महात्मा बुद्ध के मित्र थे। इनके दरबार में एक जीवक नामक राजवैद्य रहता था और इनका जो संबंध है, अगर देखा जाए तो लड़ाई जो है कौशल के महाराज प्रसेनजीत के साथ था, जिन्होंने लड़ करके उन्होंने काशी जीता, है ना, किसने, बिंबिसार ने। चलिए आगे हम लोग देखें, और इन्हीं के पुत्र का नाम था अजातशत्रु, जो बाद में यही बिंबिसार की हत्या करके गद्दी को प्राप्त करता है। और अजातशत्रु को ही पितृहंता के नाम से हम लोग जानते हैं। और अजातशत्रु की भी हत्या उनके बेटे के द्वारा, उदयन के द्वारा किया जाता है और उनको भी पितृहंता कहा जाता है। और उदयन ने ही पाटलिपुत्र की स्थापना किया था, है ना। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, हर एक वंश को मगध साम्राज्य का प्रथम वास्तविक वंश माना जाता है, है ना। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, बिंबिसार का राजवैद्य कौन था, जीवक, पूछा जाता आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिंबिसार ने कौशल के राजा कौन थे, प्रसेनजीत को हरा कर क्या किया, काशी को प्राप्त किया, पूछा जा सकता है, है ना, कि महात्मा बुद्ध के समकालीन कौन थे, तो महात्मा बुद्ध के समकालीन बिंबिसार थे। बिंबिसार उनके अच्छे मित्र थे, एक समय था कि उन्होंने उनकी जान बचाई थी। और जब इनकी लड़ाई जब हो रही थी, इसका मतलब ये है कि बिंबिसार के समकालीन प्रसेनजीत हैं और बिंबिसार के जब समकालीन महात्मा बुद्ध हैं तो दोनों हो जाते हैं, है ना। अगला देखते हैं, मगध के नंद वंश का अंतिम शासक कौन है, घनानंद था। अंतिम शासक कौन है, घनानंद था। आपसे पूछा जा सकता है कि जब सिकंदर महान जब भारत आया तो उसके समकालीन कौन थे, यही घनानंद है।
और ऋषि की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने गद्दी को प्राप्त किया था, है ना। और अजात शत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर राजा बना था, है ना। चलिए आगे देखा जाए। कहता है कि पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन है, बहुत बार पूछा हुआ सवाल है, बेबी आई है, पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन है, उदयन हो जाता है, अजात शत्रु का बेटा है जिन्होंने इनकी हत्या कर दिया था। प्रमुख गणतंत्र की बात करें यहाँ पे तो शाक्य हो जाता है गणराज, लक्ष्मी भी हो जाएगा, वजी भी हो जाएगा, विदेह भी हो जाता है, तात्रिक भी हो जाएगा, मल भी हो जाएगा, कोलीय भी हो जाएगा और मौर्य भी हो जाएगा जो गणतंत्र है वहाँ पे। और वजी संघ की राजधानी अगर देखेंगे हम लोग तो वजी संघ की राजधानी क्या हो, वैशाली हो जाए, है ना, वैशाली हो जाता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आठ गणों का संघ है ना मिलजुल कर क्या करते थे, विवाद निपटाते थे, कौन, वजी। वजी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, है ना। और वजी में जो है एकदम लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू थी यहाँ पे, जैसे हम लोग आगे देखेंगे यहाँ पे है इसका वर्णन, ठीक है। वजी संघ की राजधानी जो हम लोग देखेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए, है ना। देखिए कहते हैं कि वजी संघ की राजधानी कहाँ थी, वैशाली थी, और आठ गणों का संघ था, है ना। कोई भी काम देखिएगा, एक बार क्या हुआ, अजात शत्रु ने कहा कि वजी को जीतना है ना, तो महात्मा बुद्ध के पास एक वश्यकार जो षड्यंत्रकारी था उसको अजात शत्रु ने भेजा कि महात्मा बुद्ध से पूछो कि हम इसको जीतेंगे कैसे। तब उन्होंने कहा था कि वजी क्या आठ धर्म का पालन करता है, अगर आठ धर्म का पालन करता होगा तो दुनिया का कोई भी ताकत उसे हरा नहीं सकता, है ना। और वहाँ पे भेद देते हैं महात्मा बुद्ध, तब जाकर के अजात शत्रु का विजय होता है ना। तो यहाँ पे देखिए हाइडेस्पीज का युद्ध पूछा जाएगा आपसे, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बार यह सवाल यूपीएससी में पूछा गया था, यूपीएससी में हाइडेस्पीज का युद्ध किसके किसके बीच होता है, तो सिकंदर और पुरुष के मध्य होता है, है ना, सिकंदर और पुरुष के मध्य हो जाता है। मृत्यु देखिए मलेरिया के कारण होता है बेबीलोन में, बट ऐसा नहीं है, है ना। अगर हम लोग देखेंगे सिकंदर की मृत्यु जो है बेबीलोन में हो जाता है, यहाँ पे देखिए 326 ईसा पूर्व में भारत आता है और 323 ईसा पूर्व में क्या होता है, ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो जाती है, कहाँ पे, तो बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो जाती है, है ना। आगे देखेंगे वजी संघ में लिच्छवी, वजी संघ में लिच्छवी एक प्रमुख गण था और इसकी सीमाएं वर्तमान वैशाली एवं मुजफ्फरपुर जिले तक फैली थी। किसका, वजी संघ का। वजी संघ में लिच्छवी एक प्रमुख गणराज था, इसकी सीमाएं वर्तमान में अगर देखेंगे तो वैशाली और मुजफ्फरपुर जिले तक फैली थी। कहता है कि बिंबिसार के काल में लिच्छवी के लोग जो थे वो बहुत ही शक्तिशाली हुआ करते थे और यहाँ के राजा जो हैं चेटक था और चेटक ने अपनी लड़की का विवाह जो है बिंबिसार से कर दिया और तथा मैत्री स्थापित कर दिया, है ना। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए और पूछा जा सकता है, है ना। अगला देखिए कहते हैं यहाँ पे अंग जनपद बिहार में है, है ना। अंग जनपद कितना है, अच्छा देखिएगा, एक चीज़ पूछा जाता है कि महाजनपदों की संख्या बिहार में कितना है, तो बिहार में महाजनपदों की संख्या जो है वो 3 हो जाता है, जो इम्पोर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक महाजनपदों की संख्या कहाँ है, तो सर्वाधिक महाजनपदों की संख्या क्या है, उत्तर प्रदेश में है। यही कह रहा है कि 16 महाजनपद जो था उसमें एक जो अंग जनपद है बिहार में है और अंग प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था और इसका उल्लेख जो है अथर्ववेद में मिलता है, यह बहुत इम्पोर्टेंट है ना। अंग जो जनपद है इसका उल्लेख हम यहाँ पे देखेंगे तो अथर्ववेद में इसका उल्लेख मिलता है, जो आपसे पूछा जाएगा, है ना, और इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाता है, जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, है ना। जैसे देखिएगा मगध के राजा अजात शत्रु की राजधानी कहाँ थी, राजगिरी थी। मगध के जो राजा हैं अजात शत्रु की राजधानी क्या थी, राजगिरी हो जाता है। और लिच्छवी एक गणराज था और वजी संघ थी, राजधानी इसकी वैशाली हो जाती है। और देखिए मगध की जो शासक है घनानंद के समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया और पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है।
अगला देखिए अध्याय नंबर हम लोग 8 करेंगे, नए प्रश्न नवीन विचार, है ना। 8 उत्तर वैदिक काल जो हम लोगों ने देखा 1000 से 600 ईसा पूर्व हो जाएगा का प्रचलन बढ़ गया और कृषि क्षेत्रों का क्या हुआ, विस्तार हुआ, है ना। ओह माय गॉड, उत्तर वैदिक काल क्या होता है, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व हो जाएगा, है ना, और कृषि क्षेत्र का क्या हुआ, विस्तार हो जाता है। उपनिषद शब्द का अर्थ देखें तो गुरु के समीप बैठकर सीखना हो जाएगा। उपनिषद का मतलब अर्थ ही होता है, है ना, समीप बैठना, यानी कि गुरु के समीप बैठकर के जो ज्ञान मिलता है वह उपनिषद हो जाता है। अब देखिए हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, है ना, बौद्ध धर्म से प्रश्न पूछे जाते हैं। बौद्ध धर्म अगर पढ़ना हो आपको तो हमने एक वीडियो बहुत बेहतर किया है, कॉन्सेप्ट स्टोरी के साथ है, आप चाहें तो वहाँ भी देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छा मटेरियल मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए संस्थापक, है ना, संस्थापक कौन होते हैं, गौतम बुद्ध हो जाएंगे, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध होते हैं। कहा जाता है कि इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था, है ना, 563 BC में हुआ था। अगर हम लोग NCERT पढ़ेंगे तो इनका जन्म 566 BC दिखाता है, है ना, NCERT में इनका जन्म जो है 566 ईसा पूर्व कहता है, लेकिन अधिकतर किताबों में इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में है। अगर हम लोग जमीन जन्म स्थान की बात करें तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी वन में इनका जन्म हुआ था, है ना, लुम्बिनी वन में जन्म हुआ था। और लुम्बिनी का पहली बार जो चर्चा है, जो अभिलेखीय साक्ष्य है, वो रोमिन देई का अभिलेख होता है ना, रोमिन देई का अभिलेख है जिसमें चर्चा मिलता है, है ना, रोमिन देई का अभिलेख है। और ये जो अभिलेख है अशोक सम्राट ने इसकी स्थापना किया था, है ना, अशोक सम्राट के द्वारा इसकी स्थापना होता है और ये कहा जाता है कि सबसे छोटा अभिलेख है, है ना। और इसी रोमिन देई अभिलेख में ही आपको प्राप्त होता है कर व्यवस्था का, जो अशोक सम्राट ने वहाँ जा कर के 1/8 कर लगा दिया, जो पहले कितना था, 1/6 था, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए पिता का नाम सुदोदन हो जाएगा और माता का नाम महामाया देवी है, जो बच्चे के जन्म देने के कुछ ही दिनों के बाद उनकी मतलब मृत्यु हो जाती है, है ना। तब जाकर के उन्होंने, उनके जो फादर हैं सुदोदन, उन्होंने अपने साली से ही विवाह रचाया जिनका नाम था प्रजापति गौतमी, है ना। अब महात्मा बुद्ध का जो पत्नी है उनका नाम है यशोधरा, और यशोधरा का अन्य नाम भी है, जैसे आप बिम्बा कह सकते हैं, बिम्बा भी इनका नाम है, भदकचना, है ना, भदकचना, भदकचना भी कहा जाता है, है ना। इनको गोपा भी कहा जाता है, गोपा, ठीक है। और इनसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम है राहुल, है ना। और जन्म प्रतीक की बात करें तो कमल एवं साढ़ जो प्रतीक है, जन्म का प्रतीक हो जाता है कमल एवं साढ़। और इनका प्रथम जो गुरु हैं, जो वैशाली में मिले थे, इनके प्रथम गुरु जो हैं अल्लार कलाम हो जाते हैं, जो शांख दर्शन के, है ना, पूछा जाता है शांख जो दर्शन के बहुत बड़े ज्ञानी थे, पंडित थे, है ना। और ज्ञान की प्राप्ति की बात करें तो बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब उन्होंने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, और सारनाथ में उनके जो 5 मित्र थे जो उनसे बिछड़ गए थे एक समय में, उन्हीं लोगों को उन्होंने शिक्षा दिया, 5 ब्राह्मणों को। और इस घटना को बौद्ध ग्रंथ में धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है, है ना, बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। चलिए कुछ हम लोग घटना पे जिक्र करेंगे, है ना। जैसे यहाँ पे देखते होंगे आप लोग, कहा जा रहा है कि जन्म का जो प्रतीक है क्या हो जाएगा, तो जन्म का प्रतीक हो जाता है कमल एवं घोड़ा, साढ़ हो जाता है, सॉरी साढ़, जन्म एवं क्या हो जाएगा, साढ़ हो जाएगा, कमल एवं साढ़ जन्म का। और घर जो त्यागते हैं उसका प्रतीक जो है घोड़ा हो जाएगा, और प्रथम उपदेश जो है धर्म चक्र परिवर्तन हो जाता है। और निर्वाण की बात करें तो निर्वाण जो है यह पदचिन्ह हो जाएगा, और मृत्यु की बात करें तो मृत्यु क्या हो जाएगा, स्तूप हो जाएगा। बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया ये भी पूछा जाता है, तो पाली भाषा में उन्होंने दिया, है ना। अक्सर आपके BPSC में पूछा जाता है त्रिरत्न के बारे में, तो
तो त्रिरत्न इनके तीन हो जाते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, ये तीन हो जाएंगे, है ना। और एक देखिएगा, बहुत इधर से उधर स्टोरी हो गया, स्टोरी में अगर पिरोया जाए तो बहुत फंटास्टिक इनका स्टोरी है, है ना। देखिए, अपने वीणा के तार को इतना मत कसो कि वे टूट जाए, न ढीला करो कि संगीत ही ना निकले। तो इससे क्या पता चलता है, मध्यम मार्ग, है ना, मध्यम मार्ग जो है अष्टांगिक मार्ग, उनको इन्हीं महिलाओं से सीखने को मिला। इसी गीत को सुनकर बुद्ध ने मध्यम मार्ग क्या किया, अपनाया। बौद्ध भिक्षु पुरुष और भिक्षुनी महिला के रहने के स्थान को बिहार कहते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, बिहार कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, आपके लिए जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको किसी भी तरह आपको अभी रटना ही होगा, है ना। बौद्ध संगीतियाँ जो हैं, चार जो बौद्ध संगीतियाँ हैं, इससे प्रश्न पूछता ही पूछता है, एकदम ग्रांटेड पूछेगा कि प्रथम जो बौद्ध संगीति है, प्रथम कहाँ हुआ था। तो प्रथम बौद्ध संगीति देखिएगा, ये राजगीर में होता है, है ना। कब होता है, तो 483 ईसा पूर्व में हो जाता है प्रथम बौद्ध संगीति। उस समय राजा कौन थे, तो राजा अजात शत्रु होते हैं, और प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था। याद रखिएगा, 483 ईसा पूर्व में हुआ, राजगृह में हुआ, इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने किया, और उस समय जो सम्राट थे अजात शत्रु थे, है ना। दूसरा है द्वितीय बौद्ध संगीति, 383 ईसा पूर्व में होता है, 383 ईसा पूर्व में होता है, और जगह कहाँ है, स्थान वैशाली में, और इसकी अध्यक्षता कौन किया, शब्बा कामी ने किया, और उस समय सम्राट कलाशोक थे, है ना, उस समय सम्राट कौन थे, कलाशोक थे। अगला देखिए, कहता है कि तृतीय कब हुआ, तो 250 ईसा पूर्व में हुआ, कहाँ पे हुआ, पाटलिपुत्र में हुआ, है ना। उस समय सम्राट, उसकी अध्यक्षता किसने किया, तो मोगलिपुत्तिस ने किया, और उस समय सम्राट अशोक सम्राट थे, है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे चौथा बौद्ध संगीति, जो 98 ईसा पूर्व में होता है, कुंडल वन में होता है, जो उस समय अध्यक्ष अश्वघोष थे, है ना, उपाध्यक्ष वशुमित्र हो जाते हैं, और यह सम्राट कनिष्क होता है, है ना। देखिए, कहता है कि गया के पास बोधगया में पीपल वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, और बौद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो बार बार आपसे पूछा जाता है, श्रावस्ती में दिया, और बुद्ध के मरणोपरांत उनके शारीरिक अवशेषों पर निर्मित संरचना को क्या कहते हैं, स्तूप कहते हैं। और बौद्ध धर्म में गृह त्याग को महाभिरिष्क्रमण कहा जाता है, जो महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में अपना घर को त्याग दिया था, है ना। और मल्लुक के राज्य में इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हो जाती है, कुशीनारा में, कुशीनगर में, जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है, है ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, मगध के राजा बिंबिसार इनके अनुयायी बने, है ना। क्या होते हैं, मगध के जो राजा हैं बिंबिसार, इनके अनुयायी बनते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे जैन धर्म, है ना, जैन धर्म भी देखते हैं, कोशिश किया जाए इसको समाप्त करने का, अभी थोड़ा लंबा है, लेकिन सोच के देखिए, छठा क्लास का जो SCERT का किताब है, कितना बेहतरीन मटेरियल दिया हुआ है। किताबों का अध्ययन करने से लोग डरते हैं, वन लाइनर पढ़ने के चक्कर में 5 साल 10 साल लगा देते हैं, BPC तक नहीं होता है, कोई कंपटीशन फाइट नहीं कर पाते। मात्र 6 महीने इन किताबों का अध्ययन करिए, है ना, उसके बाद कुछ टेक्स्ट बुक है, अगर उसका अध्ययन कर लेते हैं तो फिर UPSC BPSC आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। कहने के लिए तो बहुत ऐसे लोग होंगे जो शायद कुछ और ही सोच रहे होंगे, लेकिन पढ़ने वालों को नौकरी होता है, सही तरीके से, सही गाइडलाइन में, है ना, अगर पढ़ा जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं होता। सही गाइडलाइन सबको नहीं मिलता, अगर आप देखेंगे पटना में तो इतना ज़्यादा भीड़ है, तो नौकरी थोड़ी मिलता है पटना। अभी देखिएगा BPSC की तैयारी करने वाले लोग बहुत सारे मिलेंगे, कितने लोग हैं जो सीरियस हैं, जो सच में BPSC में ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो संख्या तो बहुत ज़्यादा रोड पे दिख जाएगी, लेकिन क्या क्या डिमांड कहता है कि BPSC में ऑफिसर बनने के लिए, वो बहुत इजी है। इसी चीज़ को समझने में लोगों के पास क्या है, विद्यार्थियों के पास ना कोई बता पाता है, ना वो समझ पाते हैं। जब जीवन में
8-10 साल गुजरता है तब समझ में आता है कि ओह हमको ये करना चाहिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग जैन धर्म हम लोग करेंगे, है ना। तो जैन धर्म हम लोग देखेंगे तो जैन शब्द जो है जीन शब्द से क्या है निकला है, जिसका अर्थ क्या होता है जीतने वाला, है ना, यानी कि इंद्रियों पे जो विजय प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो जैन धर्म के संस्थापक कौन हो जाते हैं, ऋषभदेव हो जाते हैं जैन धर्म के संस्थापक। इसमें 30वें तीर्थंकर की बात है तो 30वें तीर्थंकर जो है 23वां ये पार्श्वनाथ हो जाते हैं, जो काशी के अश्वसेन के पुत्र होते हैं, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, है ना। और महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तथा 24वें तीर्थंकर होते हैं। महावीर स्वामी क्या है, 24वें तीर्थंकर हैं। इनका मूल नाम जो है ना वर्धमान महावीर होता है, जिस तरीके से महात्मा बुद्ध का मूल नाम क्या है सिद्धार्थ है, नाम है उनका, बचपन का नाम क्या है सिद्धार्थ है ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे इनके जन्म के बारे में देखेंगे। तो जन्म देखिए 540 ईसापुर में होता है ना, 540 ईसापुर में इनका जन्म वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में होता है। और ये सवाल आपसे पूछा जाता है, इनकी मृत्यु जो है 468 ईसापुर में पावापुरी में हो जाती है ना। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है, जातक कुल से बिलोंग करते हैं, क्षत्रिय कुल के क्या है प्रधान होते हैं। इनके माता को जो नाम है, माता का नाम जो है त्रिशला देवी हो जाता है, जो लिच्छवी के राजा चेतक की बहन होती हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनकी जो माता हैं, इनके माता त्रिशला देवी हो जाती हैं, जो लिच्छवी के राजा चेतक की क्या है सिस्टर है, बहन है ये, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। वर्धमान महावीर का जो विवाह है यशोदा से हुआ था, है ना, और ज्ञान की प्राप्ति उनको कैवल की प्राप्ति 12 वर्ष की तपस्या के बाद हुआ। यहाँ पे हम लोग देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानते थे, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे, जैन धर्म को मानते थे। और जैन धर्म के त्रिरत्न जो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण हो जाता है। और वहाँ पर हम लोगों ने त्रिरत्न जो देखा बुद्ध का, उसमें क्या है बुद्ध धम्म और संघ हो जाता है। इसमें त्रियत्म क्या है दर्शन ज्ञान और आचरण हो जाएगा। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद हो जाते हैं, जिनका नाम है क्या जमाली नाम हो जाता है ना। इनके पुत्री का नाम अनुजा हो जाता है ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। कहा जाता है कि जैन साधु मुंह और नाक पर कपड़ा बांध कर चलते हैं ताकि सांस लेने पर किसी कीड़े आदि की हत्या न हो जाए। ये इतने ज़्यादा अहिंसक होते हैं, इतना कठोर अहिंसक होते हैं कि इनके व्रत का पालन करना किसी के वश की बात नहीं थी। सोच के देखिए, ये इतने अहिंसक होते हैं कि अपने नाक पे रुमाल या कोई कपड़ा बांधते हैं और आगे चलते समय झाड़ू बहारू किया जाता है ना, ताकि इनसे गलती से भी किसी छोटे मकोड़े का मैंने जीव जंतुओं की हत्या ना हो जाए। और यही वजह था कि यह ज़्यादा सफल नहीं रहा समाज में, क्योंकि किसान जो लोग थे इस धर्म को एक्सेप्ट नहीं किया, अपनाया नहीं। इसका वजह था क्योंकि किसानी करते समय में बहुत सारे छोटे कीड़े मकोड़े मारे जाते हैं, है ना। और इसी समय अगर बात करें हम लोग तो बौद्ध जो धर्म था मध्यम मार्गी था और सबसे ज़्यादा फला फूला और सफल भी रहा, और विश्व के आसमान तक उन्होंने अपना पताका फहराया, है ना। तो ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग क्या कहता है, जैन साधु मुंह और नाक पर कपड़ा बांध कर चलते ताकि सांस लेने पर किसी कीड़े वादी की हत्या ना हो। यहाँ देखिए कहता है यहाँ पे कि महावीर ने अपने उपदेशों में कर्म को प्रधान बताया है, कर्म को प्रधान बताया है। और जैन धर्म का ऐसा मानना है कि त्रिरत्न को अपनाया जाए तो जीवन मरण के दुखों से छुटकारा मिल सकता है ना, छुटकारा मिल सकता है। अगला हम देखते हैं, महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसापुर में होती है और नचिकेता की जो कहानी है कठोपनिषद से ली गई है, आपसे पूछा जा सकता है बोध भिव्य है। नचिकेता की जो कहानी है कठोपनिषद से लिया गया है और उपनिषद में विचारों का संकलन होता है, उपनिषद में क्या है विचारों का संकलन होता है। और महावीर ने अपनी शिक्षा आम लोगों को, महावीर ने अपनी जो शिक्षा है आम लोगों को क्या किया, आम लोगों को प्राकृत भाषा में दिया। और बुद्ध ने आम लोगों को किस भाषा में दिया, पाली भाषा में,
है ना, बुद्ध ने पाली भाषा में दिया और महावीर ने प्राकृत भाषा में दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ते हैं। देखिए मेहनत अभी जो है, अभी मेहनत कर लीजिएगा तो फिर ज़िंदगी में ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। एक बार अगर एनर्जी आपने लगा दी तो फिर टाइम पूरी ज़िंदगी आपको एक अच्छे समझिए कि लाइफ दिलाएगा। यही सब चीज़ें, मेहनत थोड़ा करिए, मेहनत करने से ही सब कुछ प्राप्त होता है। अभी देखिए हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, रात का 3 बज रहा है, 3 कितना बजा रात का, 3 बज गया, 3:05 है ना। तो जैन धर्म के त्रिरत्न क्या हो जाते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र हो जाएगा। जैन धर्म के अनुयायियों का मानना है कि इस मार्ग में चलने से मनुष्य जीवन मरण के दुखों से क्या हो पाता है, छुटकारा पा सकता है, है ना। जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे अगला अध्याय है हम लोगों का, वो हो जाएगा अध्याय नंबर 9, प्रथम साम्राज्य हो जाएगा, है ना। प्रथम साम्राज्य है, ये भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।